अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे रहें हमेशा। मेरी दुआ है हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। मेरे पास श्री ग्लैम के 3 फाउंडेशन हैं और ये मैंने चेक करने के लिए मंगवाया था। उसके बाद मैंने बोला कि लिपस्टिक मंगवाऊंगी, लेकिन इसमें देखो कितने कितने 6 या 7 हूँ आप लोगों, ताकि हर किसी को लेने में आसानी हो। इससे पता क्या होता है, टेस्टर के लिए आसानी होती है। इसमें एक्रॉन है, शेल है, न्यूड न्यूड है और एक्रॉन है, और ये कौन सा है, वन वनीला सैंड पीच। तो ये हम ट्राई करेंगे वन बाय वन। मैंने एक्चुअली ये खोल दिया था, लेकिन अब ट्राई करके तो बताना है ना आप लोगों को, तो इसलिए को ऐसे रखते हैं और हम ऐसे था ना, तो ये हाँ ऐसे हुआ। ओके, कपड़े तो हटा देती हूँ, सब में उलझन हो। ये यूं था, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये शेड। ये 1 मिनट, तो ये वाला कौन सा शेड है? ये नंबर 1 है शेल, तो ये हमारा शेल। ओके, नंबर 2 कौन सा है? न्यूड। ओके, ये न्यूड पड़ेगा, तो हम इसको लेते हैं हाथ में। ये देखो ये न्यूड, अपने स्किन के मुताबिक हर कोई देख रहे हैं। एक्रॉन, दिस वन इज एक्रॉन। देखो यू डालेंगे तो वही होगा, इसलिए मैं ऐसे चेक कर रही हूँ मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि मैंने पेपर तो निकाल दिए ना। एक्रॉन, और ये कौन सा है फिर? वर्म वनीला, ये वाला है। यार ये 3 धर्म के मिले मुझे शीन ऐप से, लेकिन कितना अच्छा है ना, ये इससे भी आराम से मिक्सअप करके भी काम कर सकते हैं। ये है सैंड, सैंड इज माई शेड, दिस वन इज माई शेड, लास्ट वन पिच। ये था इस प्रोडक्ट का, यानी कि स्वैचेस स्टिक लैम स्किड मैग्नेट हाई कवरेज फाउंडेशन स्टिक। तो ये जो है स्टिक के बजाय मैंने छोटे छोटे वो मंगवाए थे पैकेट, तक चेक कर लो, लेकिन सैंड ही है। मैंने बोला कुछ और भी ट्राई किया जाए, अगर उनमें से कोई अच्छा और अच्छा हुआ, यानी कि शेड जो मेरी स्किन ट्यून में मैच हो, स्किन ट्यून में, तो वो ले लेंगे। तो लेकिन लेकिन सैंड और पीच सही है। और तो ये है था, दूसरा कौन सा है? हाँ ये भी मैंने मंगवाया था, ये भी मैंने सैंड शेड में मंगवाया था, क्योंकि इसमें ऐसे सिक्स सिक्स पीस नहीं मिल रहे थे, सिंगल सिंगल मिलते हैं इसमें। तो ये फाउंडेशन बाम, तो अब इसको करते हैं हम छोटे वाले, बड़े आसानी से इंसान लेके और चेक कर लेता है। पहले इसको ऐसे मसाज करनी है, फिर इसको अप्लाई करना, कहाँ करूँ, यहाँ करूँ, वो फुल कवरेज। कवरेज तो बहुत अच्छी है इसकी, नो डाउट कवरेज इसकी बहुत अच्छी, और ये भी मेरे जल जाएगा आराम से। 3 4 दफा तो मैं यूज़ कर ही लूँगी, वैसे भी मैं कंसीलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन कम। ऐसा कंसीलर ही यूज़ करूँगी। और ये वाला फाउंडेशन मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, इसी वजह से तो मैंने ये शेड्स अब चेक करती हूँ। पहले ही दफ़ा मैंने ये लिया था ना, तो ये थोड़ा डार्क शेड पे आ गया था। फाउंडेशन है ये मैट है, क्या है इसका शेड है ये गोल्डन, और ये कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्शन प्रो लॉन्ग लास्टिंग ब्रेथेबल मैट फाउंडेशन शी ग्लैम का। तो ये मैंने लिया था, अभी तो खैर इसके प्रो वो पैकेजिंग चेंज हो गई, लेकिन ये जब मैंने लिया था तो इसको पहले चेक कर लूँ, फिर उसकी पैकेजिंग यही थी। ये मैंने ले लिया था गोल्डन शेड, बस अब लेना था। ये थोड़ा डार्कर शेड पे आ गया था, लेकिन यार इसका रिजल्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये बहुत
वाटर प्रूफ है। प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन बस थोड़ा डार्कर शेड है। ये है मेरा शेड और ये थोड़ा डार्क शेड है। लेकिन अब तो मेरे पास तीन किस्म के तो है फाउंडेशन। आराम से मिक्स करके एक कोई कलर तो बन ही जाएगा। ये देखो डार्क है ना, इसी वजह से मैंने अब मैं वो नहीं लेती, स्टिक नहीं लेती यानी कंप्लीट। पहले चेक करती हूँ क्योंकि यूज़ तो मैं शी ग्लैम के प्रोडक्ट करती हूँ ज़्यादातर, और फाउंडेशन तो शी ग्लैम का ही करती हूँ और कंसीलर वगैरह भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको अपने अपने शेड्स नज़र आ गए होंगे और सेटिस्फाई होंगे। फिर आप लोग अपने लिए ऑर्डर करिएगा, मेरी वाली गलती मत करिएगा जो मैंने किया था। गोल्डन शेड मंगवा गया मैं, लेकिन अब तो है लेकिन ये डार्कर शेड आ गया था ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।